Now we have the question number 8 of the exercise 7.7. हमें वही प्रोसेस यहाँ पर भी यूज करना है कि जो x square plus 3x है ना, आप इसको क्या करिए, आप इसको भी making perfect square की तरह solve करिए. तो x square plus 3x आपके पास option था, आप x square plus 3x को किस तरह से लिख सकते हैं. यहाँ पे देखिए, आप इसमें ना a कितना है आपके पास 1, b कितना है आपके पास 3, a 1 ही होना चाहिए, मैं हर बार repeat कर रहा हूँ इसे, और b हमारे पास है 3, आप इसकी 1 by 2 से multiply करिए हमेशा. तो आपके पास कितना आ गया, ये 3 by 2 आ चुका है. तो आपको 3 by 2 अंदर रखना है, यहाँ पर इसी का स्क्वायर माइनस करके बाहर रखना है, ठीक है. तो आपके पास ये बन गया मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर. कितना सिंपल होता है, सबसे सिंपल ट्रिक है यही लगाया करो. तो हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पर आ चुका है आपका x प्लस 3 by 2 का स्क्वायर माइनस 9 by 4 विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है. आप 9 by 4 को कैसे लिख सकते हैं, आप 9 by 4 को बड़े इजिली इस तरह से लिखेंगे 3 by 2 का होल स्क्वायर. तो ये हो गया है x प्लस 3 by 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर और माइनस 3 by 2 का होल स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x. अब देखिए, हमें पता है कि अगर हम इंटीग्रेट करते हैं x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को विथ रेस्पेक्ट टू x, तो आपके पास क्या ऑप्शन आता है, x by 2, फिर उसके बाद क्या आता है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फिर क्या होता है a स्क्वायर माइनस में है ना, माइनस आएगा यहाँ a स्क्वायर by 2 और फिर log हमारे पास x प्लस और x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c, ये ऑप्शन आएगा. अब आपके पास x क्या है जी, आपके पास x है x प्लस 3 by 2, एलसीएम लीजिए 2x प्लस 3 by 2 है, 2x प्लस 3 by 2 उसका और 2 इसका 4 हो गया ना मल्टीप्लाई करके. और यहाँ पर आप जब x square minus a square को रखेंगे, x ये था आपका, a square ये था, solve करेंगे वापस वहीं पहुंच जाएंगे जी x square plus 3x में जहां से आप चले थे. और a square पे आपने क्या रखना है 9 by 4, 9 by 4 यहाँ रखेंगे तो 9 by 8 हो जाएगा आपके पास. log x के प्लेस में आपने क्या रखना है, मैंने आपको समझाया था ना, आप इसे सोल्व कर लीजिए. तो यह आपके पास हो गया 2x प्लस 3 बाई 2 प्लस आप x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, समझ रहे हैं ना, वापस वहीं पहुंच जाना है आपने x स्क्वायर प्लस 3x प्लस c. दैट्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. थैंक यू.